Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. And today we have a video on very important topic, management by objectives, which is in short called as MBO. So aaj hum discuss karne wale hai ek important concept ke bare mein, management by objectives ke bare mein. So management by objectives एक वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप्स जो है वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इन शॉर्ट उसको हम MBO नाम से डिनोट करेंगे. MBO क्या है? MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है जो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है. बेसिकली मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स इज़ नथिंग बट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ये जो टर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, वो क्लियरली डिफाइन करता है कंपनीज़ के गोल्स को, कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को. और जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर, मतलब मैनेजर और उनके सबऑर्डिनेट्स मिलके टारगेट डिसाइड करेंगे, मिलके गोल डिसाइड करेंगे, मिलके एक्टिविटीज करेंगे टू अचीव द गोल्स. ओके, तो दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड MBO. MBO का मतलब है वेयर मैनेजर, दैट इज द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स फिक्स द कॉमन गोल एंड स्ट्राइव विलिंगली फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स. दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. जहां पे एम्प्लॉयज जो रहेंगे उनको भी डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प लिया जाएगा, और उनको भी ऑब्जेक्टिव सेटिंग में उनकी हेल्प ली जाएगी, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने वाले सबऑर्डिनेट्स होंगे. ये जो टर्म था MBO, वो पॉपुलराइज किया था मिस्टर पीटर ड्रकर ने इन 1954 इन हिज बुक कॉल्ड एज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. सो MBO कंसेप्ट जो है वो पॉपुलराइज हुआ था, और ये किन के द्वारा पॉपुलराइज किया है? पीटर ड्रकर के द्वारा इन द 1954, और उनके बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. सो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड MBO. तो आपको सिर्फ MBO का एक बेसिक मीनिंग याद रखना है. MBO का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर दोनों मिलके गोल सेट करेंगे और वो अचीव करने के लिए वेरियस स्टेप्स लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सो वी विल बी नाउ स्टार्टिंग विद द स्टेप्स इन MBO प्रोसेस. तो स्टेप्स थोड़े इंपॉर्टेंट है. यूजुअली स्टेप्स सेम सीक्वेंस में आने चाहिए, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम. सो फर्स्ट हमारा स्टेप है एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट. देखो, एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. बेसिकली एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट करना है, मतलब हमको SWOT एनालिसिस करना है. हमको क्या करना है? इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है, एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करना है. हम इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है? हमको हमारे मैनेजमेंट की फिलॉसफी पता चल सकती है, हमको मैन पावर कैपेबिलिटीज़ पता चल सकती है, हमको हमारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो नो द ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज. सो इंटरनल एनवायरनमेंट इज ओवरऑल रिलेटेड विद इंटरनल फैक्टर्स एंड विच वे डील विद ऑल दिस फैक्टर्स विच आई हैव जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू. सो हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट का एनालिसिस. तो एनवायरनमेंट दो तरीके से एनालिसिस हम कर सकते हैं. वन इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड नंबर सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम क्या एनालिसिस करेंगे? हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एनालिसिस करेंगे, हम कॉम्पिटिटर्स की, जो हमारे कॉम्पिटिटर से उनकी स्ट्रैटेजीज को एनालिसिस करेंगे, हम हमारे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के वांट्स को एनालिसिस करेंगे, हम हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे. ऑल दिस फैक्टर्स आर बेसिकली कवर्ड इन एनालिसिस. तो हमारा पहला स्टेप है एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना. तो हमने अगर एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर दिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ MBO कंप्लीट होगा. हमारा सेकेंड स्टेप है कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग गोल्स. इसमें हम SWOT एनालिसिस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. SWOT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंग्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो अभी SWOT एनालिसिस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसको अभी SWOT एनालिसिस भी बोलते हैं. SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंग्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एंड दिस बेसिकली फोकसेस ऑन की रिजल्ट एरियाज. जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है KRAS, की रिजल्ट एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करता है. तो गोल्स आर सेट इन की रिजल्ट एरिया सो दैट अचीवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाए. जैसे वेरियस फंक्शनल एरियाज होते हैं, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उसी स्पेसिफिक एरियाज में
हमें गोल्स को सेट करना है एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई फॉर अचीविंग दी गोल्स. ओके, तो पहला हमारा स्टेप था फॉर्मूल एनालिसिस ऑफ दी एनवायरनमेंट. सेकेंड इज कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स दैट इज दी कॉल्ड एज दी गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज नंबर थर्ड कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग दी प्लान्स. तो कलेक्टिवली फॉर्मुलेटिंग दी प्लान्स का मतलब है जो भी प्लान्स हम बनाएंगे वो एक्शन प्लान होगा और वो प्लान जो रहेगा वो हम प्लान्स किस लिए बनाते हैं, टू अचीव द गोल्स. तो हमने जो भी गोल सेट किए हैं, हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ेगा और वो प्लान से हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे. सिर्फ गोल सेट करके हम वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू collectively formulate those plans and plans are also prepared by the subordinates and superior. इसलिए तो MBA most important है. MBO क्या बोलता है, MBO बोलता है दोनों को साथ में लो और फिर कुछ decisions के लिए try करो, फिर कुछ objectives set करने के लिए try करो, ताकि दोनों अगर involved होंगे superior and subordinates तो अच्छा benefit मिल पाएगा. That is called collectively formulating goals. तो first point हमारा था environment का analysis, second point हमने goals या objectives set कर लिया, third point है हमने फॉर्मुलेटिंग प्लान्स बना दिए. फिर नेक्स्ट है हमने इवैल्यूएट करना है. किसको इवैल्यूएट करना है, अभी देखो प्लान्स तो बहुत सारे आएंगे, जितने लोग होंगे उतने अपना अलग 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 प्लान लेके आएंगे. तो हमें क्या करना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ढूंढना है, मतलब अल्टरनेटिव प्लान्स जो अवेलेबल रहेंगे उसको इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट किस बेस पे होगा, कॉस्ट और बेनिफिट्स के बेस पे. अगर कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है तो वो प्लान अच्छा नहीं होगा. अगर कॉस्ट कम है, इक्वल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है और उसका बेनिफिट अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे प्लान्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड नंबर फोर्थ, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स. नेक्स्ट नंबर फाइव इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लान. एक बार हमने कॉस्ट एनालिसिस कर लिया, कॉस्ट एनालिसिस में हमें ये पता चल गया कि विच प्लान इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी विल बी सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट प्लान. तो जैसे ही हमने प्लान को सिलेक्ट कर लिया तो वो हमें आगे क्या बेनिफिट देने वाला है, इसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग of the plan. So implementation of the plan is the next step. Subordinates implements the plan with the support and guidance of the management. So management ke guidance se, management ke direction se wo plan ko implement kiya jata hai. So accordingly implementation of the plan bhi hamara next step ho jayega. That is 6th number ka step. फिर सेवन्थ नंबर का स्टेप, देखो इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने वो इम्प्लीमेंट करने के बाद कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है उसको इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए हमारा सेवन्थ स्टेप है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. तो हमें क्या करना है, हमने जो भी एक्टिविटीज़ की, हमने जो भी टारगेट रखे थे उसके लिए जो भी प्लान्स बनाया था उसके बेसिस पे हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया, अभी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा. क्या मेजर करेंगे हम, हमारा परफॉर्मेंस. हमको कंपैरिजन करना है कि हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है और उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज़ मेजरमेंट. देन नंबर एट इज़ कॉसेस ऑफ डेविएशंस. डेविएशंस का मतलब हमने कुछ टारगेट रखे होंगे, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे होंगे, हमने कुछ टारगेट्स के बेसिस पे ये सोचा होगा कि इतना मुझे अचीव करना है, लेकिन ड्यू टू सम और द अदर रीजंस वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट. डेविएशंस इज सिंपल डिफरेंसेस. तो हमने जो भी स्टैंडर्ड रखा था और हमने जो भी टारगेट रखा था उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड और टारगेट को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करेंगे एंड एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो भी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डेविएशंस. तो हम लोग अभी कॉसेस ढूंढेंगे, व्हाट आर द कॉसेस फॉर दिस डेविएशंस. समझो 10 यूनिट्स बनाने थे लेकिन हमने 7 ही बनाए, तो डिफरेंस 3 का जो डेविएशन आया है वो 3 यूनिट्स का डेविएशन क्यों आया, तो वी विल फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस 3 यूनिट्स का डेविएशंस एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव दिस डेविएशंस. तो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, करेक्टिव मेजर्स. ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप और रिव्यू. देखो हर स्टेप में लास्ट पॉइंट है फॉलो अप या रिव्यू. फॉलो अप या रिव्यू का मतलब होता है फीडबैक देना, रिव्यू लेना. तो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमने जितने भी प्लान्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ किए हैं वो प्रॉपर है कि नहीं. तो दैट आर ऑल दी वेरियस स्टेप्स विच आई हैव डिस्कस विद यू ऑल रिगार्डिंग MBA. सो MBO, तो MBO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एज डिसीजन मेकिंग एज कंसर्न. सो दिस वॉज the video on MBO and its components. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए, और अपना प्रेशियस फीडबैक ज़रूर देना सो दैट आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई वीडियो.